क्या 2000 रुपया बंद होगा? क्या देश में फिर से विमुद्रीकरण होगा? ऐसे काफी सारे सवाल लोगों का मन में आ रहा है जब से बाजार में 2000 रुपए का नोट दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कोई न्यूज चैनल ने यह भी दावा किया है कि 31 मार्च 2020 से देश में 2000 रुपए का नोट चलना बंद कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम अफवाहें देश के न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनल में दिखा जा रहा है जो आपको कन्फ्यूजन करा देगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सही जानकारी देने का कोशिश करूंगा ताकि आप और ज़रा कन्फ्यूजन में चला ना जाए। 2016 के 8 नवंबर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए नोटों की विमुद्रीकरण का घोषणा की थी। तब से पूरे देश में पुराने 500 और 1000 रुपए नोटों की प्रचलन बंद हुई थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने तुरंत 2000 रुपए का नोट और बाद में नए डिजाइन वाला 500 रुपए का नोट चालू किया था। जिस समय आम लोग एक 2000 रुपए नोटों से परेशान थे, तब कुछ लोग कालाधन जमा करने में लगे हुए थे। इसी को देखते हुए धीरे धीरे एटीएम मशीनों से 2000 रुपए नोटों की संख्या घटाई गई थी और नए 500 रुपए नोटों की परिमाण बढ़ाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने कम दिन के अंदर बाजार से गुलाबी 2000 रुपए के नोट क्यों गायब हो गया? आखिर क्या ऐसा घटना हुई जो रिजर्व बैंक को बंद करने के लिए मजबूर किया? दरअसल बात यह है कि एक 2000 रुपए का नोट एक गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी बड़ी रकम है और इसका सेल्स मिलना उतना ही बड़ी बात है। दूसरी बात, जब से बाजार में 2000 रुपए उपलब्ध हुआ, उसके साथ ही फेक नोटों भी उतना ही उपलब्ध हुआ। खासतौर पे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ी रकम से फेक 2000 रुपए के नोट आने लगे, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तीसरी बात, 2000 रुपए के नोट भारत में चलने वाले अब तक का सबसे बड़ा डिनोमिनेशन है। एक 2000 रुपए के नोट 2100 रुपए के नोट और 550 रुपए नोटों के बराबर है और ऐसे में इसको कालाधन में बदलना बहुत बड़ी आसान है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक 2000 रुपए के नोट छापने में लगभग 3 रुपए 54 पैसा खर्च आता है। जिस देश में डॉलर के मुकाबले पैसा का वैल्यू दिन भर गिरती जा रही है, ऐसे में 2000 रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम की पैसा छापना काफी महंगा है। इसी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल और इस साल एक भी 2000 रुपए के नोट नहीं छापा है। ऐसे में ये अनुमान लगा जा सकता है कि 2000 रुपए नोटों की सिलसिला जल्दी खत्म होने वाला है। देश में 2000 रुपए का नोट भविष्य में चले या ना चले, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भारी मात्रा में 2000 रुपए का नोट मौजूद है तो आप जल्द ही बैंक में जमा करें ताकि अगर सरकार ने फिर से विमुद्रीकरण करे उसका असर आपके ऊपर ना पड़े। हालांकि रिजर्व बैंक का 2000 रुपए का नोट लाने का फैसला उस वक्त सही नहीं था, लेकिन रिजर्व बैंक ने अभी ये कोशिश जरूर की है ताकि कैसे देश में आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बगल में जो घंटे वाला बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसा नया वीडियो अपलोड करता हूँ तब आप देख पाए। और अगर आपके पास कोई सवाल है, सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका सवालों का जवाब देने के लिए। तो मुलाकात होगी आपसे एक नया वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।